नहाया ये बरेली जंक्शन स्टेशन का बाहर की तरफ की बिल्डिंग का मुख्य हिस्सा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराता हुआ शान से। देखिए श्री दिगंबर जैन अक्षय तीर्थ क्षेत्र तपय कैवल्य ज्ञान स्थली अहिछत्र रामनगर बरेली 52 किलोमीटर यहाँ से भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का ये लगा हुआ है। और यहाँ एक्चुअली जाट रेजिमेंट सेंटर JRC का आर्मी का पूरा सेटअप है, जाट रेजिमेंटल सेंटर। और इधर एक चीज़ और मुझे दिखाई पड़ी, हमेशा से ये स्थान आकर्षित करता रहा बाहर, लेकिन आगे ये देखिए जाट रेजिमेंटल सेंटर। सूर्य देव उठ चुके हैं, लेकिन जो 4 दिन का अलर्ट दिया गया था अभी तक तो कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखाई पड़ा। यहीं 46 सीढ़ी एस्केलेटर्स इसी तरफ हैं, आपके बाहर से सीधे आप जा सकते हैं। ये इधर एक छोटा सा मंदिर का एरिया दिखाई पड़ता है, रेलवे स्टेशन के पास ये साइकिल स्टैंड। वास्तव में यहाँ ऐसा लगता था कि कोई मंदिर के हिस्से के दर्शन होते हैं, उसे थोड़ा आगे है ज़्यादा। हाँ थोड़ा समय था तो कोशिश की मैंने देखने की, हो सकता है उस मंदिर के हिस्से के दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं। वैसे देखा जाए तो होटल रेडियंस जो कि स्टेशन बिल्डिंग के ठीक बाहर आके ही है, उसके रेट्स जैसा डिस्प्ले बोर्ड पे लिखे हैं 532 रुपये पर एसी, और नॉन एसी बेड बहुत महंगा नहीं कहा जा सकता। देखा जाए ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराता हुआ, स्ट्रेचर की सुविधा स्टेशन में उपलब्ध है, सूर्यदेव के दर्शन। ये जाट रेजिमेंटल सेंटर को जाता हुआ रास्ता, इसको आंवला बरेली भी है यहाँ पे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराता हुआ पैराडाइज एसी डॉर्मेट्री 532 रुपये पर बैठ। होने के बाद हनुमान जी के विग्रह के दर्शन, नंदी बाबा और शंकर भगवान, फिर से मंदिर के हनुमान मंदिर, पंचायती आनंद अखाड़ा, पीछे मुख्य मंदिर के शिखर के दर्शन।